अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं इस तरह का पोस्टर बनाने लगा हूँ शोज़ की, ना तो मैं एक न्यू आर्ट बोर्ड क्रिएट करूँगा 1080x1080 पिक्सल में, 1080x1080 पिक्सल, रिजोल्यूशन 72। ठीक है, यहाँ पर अब मैं एक ग्रेडियन बनाऊंगा। एक तो ये वाला कलर पिक करता हूँ मैं, तो यहाँ पर मैं ग्रेडियन लगाऊंगा। डबल क्लिक किया लेयर के ऊपर, यहाँ से मैं अप्लाई करूंगा ग्रेडियन और लेयर। यहाँ पर ये ग्रेडियंट है, इसके ऊपर डबल क्लिक करते हैं। ये दोनों ऑलमोस्ट सेम कलर है, लेकिन मैं ये इसको ओके करके न्यू लेयर बनाऊंगा। ब्रश के थ्रू एक कलर, ये कलर पे करता हूँ, इसको थोड़ा सा मैं राइट तरफ लेके जाता हूँ। ठीक है, यहाँ पर मैं ब्रश के थ्रू थोड़ा सा इसको कलर चेंज करूंगा। थोड़ा सा कलर और भी लाइट करते हैं। थोड़ा सा और भी लाइट कर देते हैं। तो ये हमारा ग्रेडियंट बन गया है। अच्छा, इसके बाद मैं एक टेक्सचर लेकर आऊंगा गूगल से। यहाँ पर मैंने ये सर्च किया है, ये वाला टेक्सचर, इसको जस्ट मैंने कॉपी करके वहाँ पर पेस्ट करना है। अब यहाँ पर मैं इसको एडजस्ट करूँगा। इसको मैं कन्वर्ट करता हूँ, इसका जो मूड है लीनियर लाइट। अब इसके बाद मैं शूज लेके आता हूँ। तो मैंने डाउनलोड किया है, डाउनलोड में गया। इसको मैं कलर रिफ्लेक्ट करता हूँ रिप्रेजेंट। अच्छा, ये जो शूज है ना, शूज का कलर ये रेड है, इसको भी हमने कन्वर्ट करना है डार्क ब्लू में। इसको मैं एडजस्ट करता हूँ। ठीक है, ऑलमोस्ट। अच्छा, इसको मैं अब शेडो देने लगा हूँ। एक न्यू लेयर बनाया, लेयर इसकी शूज के नीचे रखा। फिर इसके बाद मैं ब्रश टूल उठाऊंगा और यहाँ पर मैं ब्लैक एंड वाइट, ब्लैक फिल पे होगा और जो होगा वो स्ट्रोक होगा, लेकिन स्ट्रोक यहाँ पर नहीं आएगा ब्रश में। और ठीक, यहाँ पे टेस्ट करता हूँ। तो ठीक हो गया। अच्छा, इसके बाद मैंने ये कलर चेंज करना है शूज की, कंट्रोल यू क्यू सेचुरेशन, यहाँ पर ये टेब आ जाएगी। तो इसका मैं कलर चेंज करता हूँ, ठीक है, थोड़ा सा ठीक हो गया। ये भी चेंज हो गया। इसके बाद मैं कंटेंट यहाँ पर लिखूंगा इस जगह पर। पहले तो मैं यहाँ पर न्यू लिखूंगा।
मैं ये वाला कलर पिक करूंगा। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल में आता हूं, डन। इसके बाद मैं इसके ऊपर न्यू लिखूंगा, न्यू NEW स्मॉल में लिखे, न्यू कैपिटल में लिखा। इसका मैं यहाँ पर एडजस्ट करता हूँ, ये ठीक हो। इसके बाद मैं यहाँ पर अराइवल सेल लिखूंगा, अराइवल करता हूँ। इसमें बड़ा करना है, तो फोन भी मैं चेंज करूँगा। अब पेन सर्च करता हूँ, पेन बोल्ड कर देते हैं। इसको मैं एडजस्ट करता हूँ, यहाँ पर इसके नीचे मैं लिखूंगा मेन शूज। इसके ऊपर मैं एक रेक्टेंगल लगाऊंगा, राउंडेड रेक्टेंगल। जो कलर ये ठीक है, इन दोनों को मैं थोड़ा सा छोटा करूंगा। ठीक है, इसके बाद मैं डिस्काउंट का भी एक यहाँ पर लोगो क्रिएट करूँगा, 50% डिस्काउंट। बल्कि मैं यहाँ पर क्रिएट करने लगा, इसको मैं शूज को मैं एक स्टेप बस ठीक है फ्रंट पे लेकर आ गया हूँ। यहाँ शूज को यहाँ पर मैं इसको थोड़ा सा शेडो देता हूँ ताकि रियलिस्टिक लगे। इसको मैं ऑफ करता हूँ, इसके ऊपर मैं न्यू लेयर क्रिएट करूँगा। यहाँ पर अपने थोड़ा सा शेड हो देने लगा हूँ, थोड़ा सा अच्छा। इसमें मैं एक डिजाइन बनाने लगा हूँ, इसके मैं एक कॉपी लूंगा इस सर्कल की, कॉपी ली और ऊपर वाला जो है इसका मैं कलर वाइट रखूंगा। यहाँ से मैंने पिक किया कलर,
और इसको मैं थोड़ा सा इस साइड से मैं थोड़ा सा बाहर निकालूंगा। ठीक है, अच्छा इसके ऊपर मैं कंटेंट लगूंगा 50% और डिस्काउंट, या फिर मैं लिख देता हूँ 50%, 50%, इसको ऊपर करते हैं। इसका मैं फॉन्ट चेंज करूंगा, पॉपिंग, ठीक है, बोल्ड भी ठीक है। इसको साइज में इंक्रीज करूंगा, ठीक है। अब इसको मैं इसके नीचे ही रखूंगा, ये शेडो के नीचे ही रखूंगा ताकि रियलिस्टिक लगे। ठीक है, अब मैं डिस्काउंट लिखूंगा, डिस्काउंट, इसको मैं थोड़ा सा एडजस्ट करता हूँ। और नीचे मैंने 8 और 9 लिखे हैं, उसके नीचे मैं लिखता हूँ 8 और 9। फिर मैं एक रेक्टेंगल ड्रा करूंगा, राउंड रेक्टेंगल, बल्कि यहाँ सेंटर में नहीं, एक साइड पर देखता हूँ मैं। मैं कलर ये पिक करूँगा, यहाँ पर मैं लिखूंगा 8 और 9। थोड़ा सा और राउंड करते हैं, ठीक है। अब इसके ऊपर मैं 8 और 9 लिखूंगा, थोड़ा सा इंक्रीज करते हैं। तो ये हमारा डिजाइन बन चुका है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। थैंक यू।